नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। एक उम्मीद काफी है हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए, एक उम्मीद काफी है जीवन से अंधकार मिटाने के लिए। जीवन के मुश्किल दौर में हौसला, साहस एक नई आस लेकर आता है। बहुत बार कुछ बीमारियों के साथ ऐसा होता है, जब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आपको रोग हो गया है, तो व्यक्ति और उसके परिवार को लगता है कि अब शायद सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन नहीं, उस समय पर भी अगर सही तरह से प्रबंधन किया जाए तो जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आज हम खास तौर पर बात करेंगे तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग ALS के बारे में, जिसे एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। ये रोग क्या है, किस तरह से होता है इसका प्रभाव, और कौन सी मुश्किलें होती हैं जब किसी व्यक्ति को इस रोग का पता चलता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS तंत्रिकाओं का एक रोग है जो मुख्य रूप से ब्रेन स्टेम, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज कहे जाने वाले बड़े रोग समूह के अंदर आने वाला एक छोटा समूह है। इस रोग का कारण ज्ञात नहीं है। ALS के अधिकतर मामलों में मांसपेशियों की कमजोरी और उनके क्षय के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। हाथों और पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा बोलने में परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि निगलने में कठिनाई भी देखी जा सकती है। ALS के बढ़ जाने पर सांस लेने की क्रिया भी प्रभावित हो सकती है। ALS सिर्फ मोटर यानी गति गतिविधियों को प्रभावित करता है, इसलिए व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्तित्व, बुद्धिमता और स्मृति कमजोर नहीं होती। अलग अलग लोगों में ALS के लक्षण और उनकी प्रगति अलग हो सकती है। आवश्यक है कि ALS के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए, रोग की जल्द पहचान हो और जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके। सही समय पर इलाज शुरू करने से लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया रखा जा सकता है। ALS रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन सही इलाज से इसके लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। जीवन में कभी कभी कुछ चुनौतियों और समस्याओं का जो कितना प्रभाव है उसका अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक हम उनसे घिर नहीं जाते। कुछ रोग और बीमारियों के साथ भी ऐसा ही होता है, जिनके लक्षणों को ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि शायद कोई आम बीमारी का लक्षण होगा या फिर बढ़ती उम्र का लक्षण हो सकता है, लेकिन दरअसल वो किसी समस्या की तरफ संकेत देता है। ALS एक ऐसा ही रोग है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस रोग का सही समय पर सही इलाज किया जाए तो जो इसके लक्षण है उन्हें काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किस तरह के चैलेंजेस यानी कठिनाइयां और जटिलताओं से उस व्यक्ति और परिवार को गुजरना पड़ता है जो ALS से प्रभावित हो, और इसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे विशेषज्ञों का पैनल। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर विनीत जैसन, एसोसिएट प्रोफेसर एंड इंचार्ज न्यूरोमस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। हमारे साथ रहेंगी मिस सतविंदर कौर, को फाउंडर ALS केयर एंड सपोर्ट फाउंडेशन इंडिया। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ALS से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं न्यूरो डिजीज ALS के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर जेसन, आपसे ये समझना चाहेंगे, मोटर न्यूरॉन्स का जिक्र आता है और ALS का जिक्र आता है, किस तरह का प्रभाव होता है जब कोई व्यक्ति ALS से प्रभावित हो, और ये रोग दरअसल है क्या? मोटर न्यूरॉन डिजीज और ALS जो ऐसा रोग है जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से जो निकलने वाले सेल्स जो मांसपेशियों को का संचालन करते हैं, उसमें अंदरूनी तौर से वो एज होने शुरू हो जाते हैं, उनकी उम्र बहुत जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती है और वो मरने शुरू हो जाते हैं जी। इसके कारण जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। और कमजोरी कैसे लक्षण आते हैं कि हाथ हमारे
दिखने में पतले हो सकते हैं, पांव पतले हो सकते हैं, जबान लड़खड़ानी शुरू हो सकती है और आगे चल के सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर विनीत, किस एज ग्रुप के बारे में बताना चाहेंगे जिनके अंदर जो है इस समस्या का खतरा ज्यादा है, और हाई रिस्क ग्रुप की अगर बात की जाए, कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई ऐसे कारक हैं जिनसे इस रोग का खतरा बढ़ जाता है? ये आमतौर से तो 50 साल से ऊपर की उम्र जो लोग हैं उनमें ज्यादा दिखाई दिया जाता है, बट जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो इस पे रिसर्च किया गया है, तो हमने पाया है कि ये 10 साल पहले हिंदुस्तानियों को ये रोग लग जाता है। और इसमें जो हाई रिस्क ग्रुप अगर बोलें जी, तो उस प्रकार से कोई खास हाई रिस्क ग्रुप है नहीं कि हम कह सकते हैं यदि हम ये आदतें हैं या ये चीजें हैं तो इन लोगों को ये बीमारी लगती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो विदेश में देखा गया है, थोड़ा बहुत रिस्क तो इसलिए है कि अगर कोई मिलिट्री में वहां काम करता है या तो फिर वो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो उन्होंने उनमें देखा गया है कि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है उनमें। जी सत्विंदर, आपसे यह समझना चाहेंगे, अगर चुनौतियों की बात करें, क्योंकि आपने अपने घर में भी इस ALS के पेशेंट की केयर गिवर आप रही हैं, खुद भी जूझी हैं समस्याओं से, किस तरह की जटिलताएं आपको लगती हैं जब एक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ALS जैसा रोग हो गया है? क्या माइंडसेट रहता है, एक जो मानसिक तौर पर आघात की बात होती है या ट्रॉमा की बात होती है, कितना मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना, और आगे आने वाले समय में क्योंकि धीरे धीरे रोग बढ़ेगा तो जो समस्याएं होंगी उनसे डील करने के लिए अपने आपको किस तरह से तैयार करना जरूरी है? सबसे पहले तो इंडिया में जागरूकता नहीं है। जैसे ही ALS का डायग्नोसिस होता है तभी फैमिली को, जैसे हर एक कोई इंटरनेट पे जाता है या इधर उधर ढूंढता है, तो हमेशा इसके बारे में मुश्किलें मुश्किलें ही नजर आती हैं, तो बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा में आ जाती है फैमिली एंड ऑल। बट हमारे को आगे देखना है कि उसके जो मुश्किलें आने वाली हैं, जैसे बोलने में तकलीफ या हाथ पैरों चलने में तकलीफ, खाने में तकलीफ, निगलने में, बेसिकली सबसे पहले आपको पानी निगलने में तकलीफ होती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता हो कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो अगर वो कोई समझाता रहे और आपके पास कोई हो कंसल्ट करने के लिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स इसमें आपको रिक्वायर्ड होंगे इस पूरी जर्नी में ALS की, तो उनसे कंसल्ट करते रहें, उन लोगों से जुड़े रहें, और ये 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 जितनी भी मुश्किलें हैं आपकी सॉल्व हो सकती हैं उस जी। तो खुद को मानसिक तौर पर भी तैयार करने की जरूरत है, खास तौर पर ये देखना है कि हौसला नहीं खोना है। डॉक्टर विनीत, जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है या डायग्नोस होता है कि ALS हो गया है, कितना समय लगता है जो इसके प्रभाव आने शुरू होते हैं, और जिन लक्षणों की हमने बात की है उसमें से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी देखे जाते हैं या उसको मिमिक कर सकते हैं, क्या चैलेंजिंग रहता है कि ये पता चल जाए कि दूसरे रोग नहीं है, उनको रूल आउट किया जा सके और ये प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाए कि ALS की बीमारी हो गई है? ALS एक बीमारी है जो बहुत धीरे से लगती है किसी को, और उसमें एटलीस्ट कई महीने निकल जाते हैं कि मरीज भी अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसमें दर्द ज्यादा नहीं होता, मेनली कमजोरी ज्यादा होती है, तो मरीज जो है वो कोशिश करता रहता है, जब उसको लगता है कि नई मुश्किल बढ़ गई है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब उसमें भी कई महीने निकल जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे आपने बोला, ये लक्षण कई बीमारियों में दिखे जाते हैं, मांसपेशी की बीमारी, नस की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, ब्रेन में और अलग बीमारियों में भी ऐसा दिखा जाता है, तो डॉक्टर बहुत ख्याल से कई टेस्ट करते हैं, वो नसों का चेक करते हैं, मसल का चेक करते हैं, MRI करते हैं ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, कई बार रीढ़ की जो चमड़ी होती है पीछे, वहां से पानी भी निकाल के चेक करते हैं कि और कोई बीमारी ना हो, क्योंकि ALS का इलाज उतना सफल नहीं है और बाकी बीमारियों का इलाज सफल है, तो उन बाकी बीमारियों को ढूंढ करके उनका मुआयना करना बहुत जरूरी है कि ये इलाज योग्य बीमारी अगर निकले तो फिर वो मरीज के लिए बहुत अच्छा है।
जी डॉक्टर विनीत, आपने कहा कि इसका इलाज सफल नहीं है, क्या इससे ये समझें कि क्योर हालांकि पॉसिबल नहीं है? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि फिर जब हम बात कर रहे हैं कि जल्द पहचान हो, टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो पाए, उससे लाभ क्या होगा? तो जैसे पहले आपको याद होगा, कैंसर, HIV, ये सब बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को हो जाता था तो हम सोचते थे दिस इज ये बस दी एंड है। लेकिन वैसे ही अभी ALS भी वैसी एक बीमारी है जिसका इस समय हम कहें तो दवाई के तौर से, गोलियों के तौर से ज्यादा कोई फायदेमंद ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, जो दवाइयां उपलब्ध हैं उससे बीमारी की बढ़ने की रफ्तार को जरूर धीमा किया जा सकता है। उसके साथ जो सपोर्टिव केयर है, जैसे कि अभी हमने सुना कि उनके जो खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, उन सब चीजों को बहुत ही आसानी से संभाला जा सकता है। तो जाहिर तौर पर क्योर भले ही ना हो, लेकिन अगर सही समय पर इलाज शुरू किया जाता है तो जो जटिलताएं हैं उनको कम किया जा सकता है, प्रोग्रेशन को शायद ग्रेजुअल किया जा सकता है, धीमी गति से रोग बढ़े और क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो एक बात है उसे भी संभाला जा सकता है। सत्विंदर जी, जैसे जैसे रोग बढ़ता है, आपने कहा कि निगलने में परेशानी होती है, उसके अलावा और कौन सी दिक्कतें हैं जो स्टेज वाइज अगर बात की जाए जो व्यक्ति को और उसके परिवार को लगती हैं, और खासतौर पर जो केयर गिवर है, जो देखभाल कर रहा है व्यक्ति की, उसके विषय में उन्हें जानकारी होनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। जैसे ही आपका स्टार्ट हुआ, अगर आप उस टाइम पे आपको पता लग जाता है कि आपको ALS है और आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको असिस्टेड डिवाइसेस मतलब चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता लेने की जरूरत है। ये नहीं कि हम चल, क्योंकि आपको इस बीमारी से जो लड़ना है, और अगर ये अगर आप गिरने का और कुछ हड्डी वड्डी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमको उस पे नहीं जाना है। तो हर चीज पे ध्यान रखना है कि खाना, अगर पानी लेने में निगलने में दिक्कत हो रही है तो हमको उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। काफी वाटर थिकनेस मिलते हैं, और खाना खाने में दिक्कत हो रही है तो कब उसको मेस्टिकेट मतलब उसको घुला के देना है, और एक पैग करके जो एक पेट में एक नली लगती है कि वो किस टाइम पे करनी है। तो ये कुछ कुछ डिसीजंस हैं जो आपको टाइम टू टाइम लेने चाहिए, और सही टाइम पे अगर आप ले लेते हैं तो इस बीमारी के साथ भी बहुत अच्छी जिंदगी जी जा सकती है और काफी सालों तक जी जा सकती है। जी डॉक्टर विनीत, जब किसी भी व्यक्ति को ये पता चलता है कि समस्या हो गई, डायग्नोसिस होता है, जो इसके लक्षणों का प्रभाव है, यानी किस तरह से रोग का प्रभाव व्यक्ति पर होगा, क्या अलग अलग रोगियों में अलग होता है या एक ही पैटर्न के सिम्टम्स उनमें देखे जाते हैं? आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि अलग मरीजों में जो देखा जाता है अलग प्रकार से बीमारी शुरू होती है। 70% लोगों में ये जो बीमारी शुरू होगी तो वो अपने हाथों से या पाँव से शुरू होती है, और 25% लोगों में बोली से, हमारे जो मुंह है हमारा स्वॉलोइंग अफेक्ट होता है, और 5% लोगों में कई बार डायरेक्ट सांस की मुश्किल से, सांस लेने में दिक्कत से ये शुरू हो सकता है। तो जब ये अलग अलग तौर से शुरू होता है तो मरीजों को भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें हल्का सा भी हमको लक्षण ऐसा शुरू होना हो जाए तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाएं और हम अपना चेकअप कराएं, और ये शंका हमारे मन में रहनी चाहिए कि ये कहीं ALS की शुरुआत तो नहीं है। जी फिलहाल एक कॉलर है लखनऊ से, मिस्टर ज्ञान है जिन्होंने कॉल किया है, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार, मैं सफर हूँ माइसिनिया ग्रेविस का जी, और मुझे मेडिसिन डिस्टिनॉन और एजरॉन दिया जा रहा है पिछले 2 साल से। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये मुझे दवाइयाँ लगातार जीवन भर खानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा बोलना बंद हो गया था और इंगल्प करना बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जब ये ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो उसके बाद मुझसे कहा गया कि बहुत सा ट्रीटमेंट था, और अभी मुझसे कह रहे हैं कि एजरॉन 50 नाम की दवा है, उसको लगातार खाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, क्या ये ऐसी बीमारी है जो जिससे मैं ग्रसित हूँ, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी जीवन में? जी डॉक्टर विनीत, ये जो आपने बीमारी बताई मायस्थीनिया ग्राविस की जो बीमारी है, ये एक इम्यूनिटी की बीमारी है, और ये बहुत जरूरी है इसका अनुमान लगाना। जब तक आपके अंदर इसके कण हैं जो आपको कमजोर कर सकते हैं, तो एजोराइन जो है वो मुख्य दवा है
जो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके रखती है। आगे चल करके जरूर आपके डॉक्टर साहब एजोरान को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि देखा जाए कि इम्यूनिटी अगर आपकी कम अपने आप स्वयं हो गई है तो फिर आपको खाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो आपके जो डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहे हैं वही उसका बेस्ट अनुमान कर पाएंगे। जी डॉक्टर विनीत, जब एक बार डायग्नोसिस बन गया कि समस्या है ALS की, किस तरह से जो ट्रीटमेंट है या इलाज है उसकी शुरुआत होती है और कितनी बार और कितनी फॉलोअप्स रिक्वायरमेंट होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए? ALS के लिए खुशखबरी तो ये है कि पिछले सालों में, अभी जो पिछले 10 सालों में 3 नई दवाइयां आई हैं ALS के लिए, जी तो ये बहुत ही खुश होने वाली बात है, जो इतने सालों से हमारे पास नहीं थी। तो ये दवाइयां उपलब्ध हुई हैं, इन दवाइयों का हम शुरुआत करते हैं। और मेनस्ट्रीम जो दवाई है वो राइलिजॉल की गोली होती है, राइलिजॉल की टैबलेट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, और एक और इंजेक्शन है एडेरावॉन, वो जो इंजेक्शन है वो भी हम मरीजों को लगाते हैं। और उसके साथ में अभी नई दवा आई है जो अभी तक इंडिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फौरन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इन दवाइयों के साथ में मरीज की जो बीमारी है वो धीमी हो जाती है। इसके साथ मरीज को ये भी हम बताया जाता है कि उनको आने वाले में क्या क्या पीड़ा हो सकती है, क्या क्या तकलीफों का ख्याल रखना, और जो जैसे खाने में अगर दिक्कत है तो पहले तो हम उनका वेट चेक करते रहते हैं, कई बार मरीजों को पता नहीं चलता कि उनका खाना मुश्किल हो गया है, तो खाने का टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके लिए पतली चीजें जो होती हैं, पानी वाली चीजें, वो निगलनी ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए उनको खाने को थोड़ा सा और थिकन फ्लूइड्स के साथ में हम मेंटेन करते हैं। अगर उसमें और उसके बावजूद उनको तकलीफ होती है तो हम उनके पेट में एक छोटा सा पाइप डाल देते हैं जिसके थ्रू उनको खाना आराम से जाया जा सकता है। जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है तो सांस लेने के हिसाब से उनको मुंह के ऊपर एक बाईपैप मशीन होती है, इसके द्वारा आराम से वो सांस ले पाते हैं। अगर उनको बात करने में दिक्कत आती है, कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, तो आजकल कई ऐसे आधुनिक टेक्निक्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है जो बहुत महंगे नहीं है, जिनके द्वारा वो कम्युनिकेट अपने प्रियजनों से कर सकते हैं। जी सतविंदर जी, केयर गिवर की बात की जाए, जो उस व्यक्ति की देखभाल कर रहा है जो ALS से प्रभावित है, उसे किस तरह के स्ट्रेस रहते हैं या तनाव को दूर रखने के लिए, और क्योंकि जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी आगे आने वाले समय में, कैसे अपने जीवन को सही रखकर संतुलन बनाए रखकर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर संतुलन बनाए रखें, और दूसरी बात जो इलाज का खर्च है वो किस तरह से, क्या उसके लिए कोई सहायता उपलब्ध है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है? केयर गिवर सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरी जर्नी में, ALS की जर्नी में महत्व रखता है एक पेशेंट के लिए, कि उसके सदस्य को ये हुआ है और उसका पूरा जिंदगी, मतलब पूरा दिनचर्या उसकी उस पर डिपेंड करती है जी। तो ये जब तक डिपेंडेंसी उस केयर गिवर पे आती रहती है तो केयर गिवर का स्ट्रेस लेवल भी हाई हो सकता है। तो सबसे पहले हमको केयर गिवर पे भी, अपने आप पे भी ध्यान रखना है कि हमारे को एक अपने जैसा कोई 2-4 घंटे के लिए या किसी चीज के, किसी कुछ थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, कि जो आपको फ्री कर सके, ताकि आपकी जो चीज़ें, आपकी दिनचर्या जो आप मैनेज कर रहे हैं, कोई और भी कर सके, ताकि आप जब दोबारा अपने उन सदस्य के पास, अपने परिवार वाले के पास आएं, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आएं। ये नहीं कि पूरे सारा टाइम ही आप उनके साथ लगे हुए हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, और उन लोगों से जुड़े जो इस जर्नी से, इस कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उनसे जुड़े जो इस जर्नी के साथ जी रहे हैं, ताकि आपकी एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस, और आपसे बात कर सके और आपको सॉल्यूशंस दे सके, क्योंकि वो देख चुके हैं इस चीज़ के बारे में। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर वेंटिलेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी लॉन्ग टर्म, ईयर्स ऑन ईयर्स। जैसे हमारे घर में ही मम्मी को 8 साल घर पे थे वेंटिलेटर पे, ऐसे ही एक जो मिस्टर रवि हैं हमारे, जिनसे हम एसोसिएटेड हैं, कि उनको 10 साल हो गए हैं वेंटिलेटर पे। तो पूरी परिवार की रिक्वायरमेंट होती है, मिलजुल के ही ये सब कुछ हो पाता है।
जी, तो साथ रहना चाहिए, सहयोग रहना चाहिए और सकारात्मकता रखनी है अगर इस तरह का रोग हो गया है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लड़ाई लंबी चलनी है तो साहस छोड़ना बीच में उचित नहीं होगा। डॉक्टर विनीत, सोफी हैं, उनका ये सवाल है, इनकी एज है, इनकी मदर की एज है 68 ईयर्स, उनको लक्षण आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे बात करने में प्रॉब्लम होने लगी थी, उसके बाद खाना निगलने में प्रॉब्लम होने लगी, उन कह रही हैं कि उनको शुरुआती दौर में पता ही नहीं चल पाया कि ALS है, लगभग 1.5 साल के बाद ये डिटेक्ट हो पाया कि ALS का रोग है। किस तरह की सहायता प्राप्त की जा सकती है और कहाँ अगर इससे संबंधित जानकारी चाहिए हो तो किसे कंसल्ट किया जाए, हालांकि ये चंडीगढ़ में है, वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में ये लोग दिखा रहे हैं, क्या कहीं पर इनको सहायता उपलब्ध हो सकती है, ये जानना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, जो खाना निगलने वाली बीमारी से अगर शुरू होता है तो ALS का डायग्नोसिस कई बार करना कठिन हो जाता है। वो इसलिए है कि जो ALS के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में यूं है कि शरीर के 4 अंगों में से 3 अंग, जब अंग बोले तो बोली, हाथ, सांस और पांव, चलने के जो 4 को कुल मिलाकर के एटलीस्ट 3 अंगों में लक्षण दिखने चाहिए, और कई बार जब सिर्फ बोली में जाता है दिक्कत तो बाकी अंगों में शुरुआत में हो सकता है इसका लक्षण ना हो, जिसके कारण डॉक्टरों को काफी मुश्किल होती है कि इस बीमारी का डायग्नोस किया जाए। अब जब ये हो जाता है, हमें दिक्कत आती है, बोली में दिक्कत आ गई है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो, हम अगर अपने आंखों के साथ में, अगर उनके हाथ चल रहे हैं तो काफी हद तक तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो अपनी बात दूसरे तक बता सकते हैं, और यदि हमारे हाथ पैर भी चलने मुश्किल हो गए हैं तो हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करके, आजकल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आ गई है, हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते थे और उस हमारी ही आवाज दूसरों को सुनेगी, तो वो सब टेक्निकें आ चुकी हैं। सांस के लिए हाँ, सबसे पहले तो ये है कि हम उनको NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के द्वारा उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे काफी साल उनको मदद रहती है, और आगे चलने पे यदि ये परिवार का निश्चय हो और वो उनको सपोर्ट कर सकें तो फिर उनका ट्रेकियोस्टोमी करके उनको वेंटिलेटर पे भी डाला जा सकता है, और ये सब उपलब्धि घर पे भी हो सकती है। जी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सतेंद्र जी, जैसा कि डिस्कशन में बात सामने आई कि घर पर ही पेशेंट को मैनेज करना होता है और जो लेटर स्टेज है बीमारी की उसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता भी हो सकती है, तो कितनी आवश्यकता होती है कि जो देखभाल करने वाले हैं या परिवार के सदस्य हैं उनको ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई नहीं सीखता है, इसकी जानकारी हो, अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो इन केसेस में बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकती हैं जब केयर गिविंग की बात आती है। बिल्कुल, और क्योंकि इसमें सीखना है, सबसे बड़ी बात है कि चाहे मेडिकल डिवाइसेस भी हैं, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, हम ऐप्स वगैरह में या किसी में भी नई तरह की गेम्स होती है, सब में ऐसे सीखते हैं, तो ऐसे ही ये भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, आपको अपना बनाए रखना है, क्योंकि ये अबाउट द जिंदगी है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो ये मेडिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, अब हमने उन डिवाइसेस को सीखना है, ऐसा कोई नहीं है कि जो वो नहीं सीख पाएगा। वेंटिलेटर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर उन लोगों से जुड़ेंगे, आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, अपने वेंटिलेटर स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, बायपैप से के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आपको घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखना है कि सिर्फ बेडरिडन पेशेंट है मगर लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह से जैसे वो पहले आपके साथ बात करते थे या घर में सेलिब्रेशंस होता था, बर्थडेज बनाते थे, सिमिलरली उनको ऐसे फील कराइए जो आपके सदस्य हैं घर के कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये जस्ट एक आप हाथ पैर नहीं चल रहे मगर आपका ब्रेन, आपकी सेंसेस कम्प्लीटली इंटैक्ट होती हैं इसमें। सो बस इन सारे उपकरणों को हमको उसकी जानकारी रखनी है कि जो हमारे को आगे आने वाले समय में जरूरत पड़े। जी, और फिलहाल दिल्ली से एक कॉलर हैं, श्याम सुंदर जी हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम। जी, मेरी वाइफ की वो एज है 73। जी, और अरुणा रानी उनका नाम है। वो 5 कदम भी है ना पैदल नहीं चल सकती। जी, और उनकी नली ब्लॉकेज है 60 से 70 तक। और
बस उनको दिक्कत सांस फूलने की है और ये सब चीजें हैं, उनको बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है जी। आप क्या जानना चाहते हैं श्याम सुंदर साहब? हम ये जानना चाहते हैं मेरी वाइफ का इलाज हो सकता है क्या, जो कि स्लिम हो जाए या 10 किलो वजन कम हो जाए और इन्हें चलने में दिक्कत ना हो जी। डॉक्टर विनीत, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? वजन कम करने की बात है और जो दिक्कतें हो रही हैं उनको मैनेज किया जा सके किसी तरह, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, आई एम श्योर इनके लिए इलाज होगा। बहुत जरूरी है कि मरीज, हर एक मरीज अनमोल होता है और उसके लिए बहुत ध्यान से हमको देखना जरूरी है। तो बिना मरीज के देखे तो हम कोई एडवाइस दे नहीं सकते हैं, बट ये डॉक्टर के पास जाएंगे और उनका चेकअप करवाएंगे तो जरूर कोई ना कोई इलाज इनकी परिस्थिति को आज से बेहतर करने के लिए उपलब्ध है जी। सत्येंद्र जी, क्या संदेश आप उन तमाम व्यूअर्स को देना चाहेंगी जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके माध्यम से जो है ALS संबंधित जानकारी उन तक पहुंच रही है, और साथ ही ये संदेश भी पहुंच रहा है कि इस बीमारी में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, जो लोग इस बीमारी के बारे में नहीं जानते और इस प्रोग्राम के माध्यम से जान चुके हैं तो ध्यान रखें, आसपास अगर आपके कोई भी ऐसे सिम्टम्स वाले हैं जिनको ये वाले सिम्टम जो हमने डिस्कस करे हैं, जैसे हाँ मुंह बोलने में तकलीफ या पैर चलने में या सांस लेने में दिक्कत, तो ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करें। और जो लोग इस डिसीज़ के अंदर हैं, जो जूझ रहे हैं, उनके लिए ये मेरा संदेश है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है, लाइक डायबिटीज़ है, BP है, तो सिमिलरली इसका भी मैनेजमेंट है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप बस बढ़ते रहें, सीखते रहें और चलते रहें। डॉक्टर विनीत, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, और खास तौर पर अगर बात की जाए एडवांसमेंट्स या शोध कार्य की, तो आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है ट्रीटमेंट के लिहाज से? आने वाले समय में बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। पिछले कई सालों में इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है रिसर्चर्स ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुरंत ये भी एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो मैनेजेबल है, जैसे HIV है, कैंसर है, इन बीमारियों के साथ ये भी गिना जाएगा जिसका इलाज होता है जी। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विनीत जेसन, सत्येंद्र कौर जी, आप दोनों ही आज के डिस्कशन में शामिल हुए और ALS रोग से संबंधित ये तमाम जानकारी आपने दी है। और कहा जाता है कि ALS के जो रोगी होते हैं उन्हें बहुत बार सिर्फ सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई हाथ बढ़ाए, उनकी सहायता करे, उनका साथ दे, उनका सहयोग करे और कभी कभी उनको समझ पाए। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ALS से प्रभावित है, हिम्मत मत छोड़िए, साहस मत छोड़िए, बल्कि उनकी सहायता कीजिए। और अगर आपको पता है कि जटिलताएं बढ़ रही हैं तो जिंदगी के हर एक क्षण को पूरी तरह से जिए। और कहा जाता है कि किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। हम ज्ञान की रोशनी से आपके जीवन के अंधकार को दूर करते रहेंगे और सेहत के विषय में जागरूकता ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।